महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके महान दल ने आज सैफई में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जनाक्रोश यात्रा के समापन कार्यक्रम में महान दल ने 2022 में सपा की सरकार बनाने के नारे और वादे के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि अति पिछड़ा समाज का मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज आज पूरी तरह सपा के साथ है। यह पूरा समाज 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुशवाहा मौर्य समाज के साथ हो रही है। कहीं भी ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो कठपुतली शाक्य सैनी नेता हैं, शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य, एक भी चू भी नहीं बोलते, आवाज नहीं आती इनके मुंह से, लेकिन मैं अकेले लड़ता रहा। आज लड़ाई आसान हो गई, आज लड़ाई आसान हो गई है जब से महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 8 अगस्त का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन महान दल का कराया। महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में इसमें कितने महान दल के कार्यकर्ता गए थे, हाथ उठा के बताओ, गए थे आप? लखनऊ गए थे। जब से कार्यक्रम हुआ, जब से महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टीवी चैनलों पर आने लगा, आज उत्तर प्रदेश का हर अधिकारी महान दल को गंभीरता से लेने लगा। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लग गया कि केशव देव मौर्य अकेले नहीं है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी की ताकत है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताकत है, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी की ताकत है। सोलह अगस्त को पीलीभीत से शुरू हुई जनाक्रोश यात्रा के सैफई में समापन के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के विरोध के साथ महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, दलितों के उत्पीड़न और कमजोर तबके के साथ अन्याय के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जनजागरण करना इस यात्रा का मुख्य मकसद। अन्याय का, यहाँ की सरकार जो है अन्याय का एक पर्यायवाची शब्द हो गया। जिधर नजर उठाइए, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, चाहे छात्र हों, चाहे बेरोजगार लोग, अगर कोई मांग करने चला जाए तो लाठीचार्ज हो जाता है। अगर आप सड़क पर भी शांतमय तरीके से कहें कि हम साइकिल यात्रा करेंगे तो पैंडेमिक अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हो सकता है, हो सकता है आज हम लोगों के खिलाफ भी हो जाए। ये करते रहें तो कुछ नहीं, लेकिन विपक्ष करे तो है। तो जब इस सीमा तक कदम कदम पर नाइंसाफी हो रही है, ज्यादतियाँ हो रही हैं, पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को सताया जा रहा है, उनका हक छीने जा रहा है, तो लोगों को सड़क पर आना ही होगा और ऐसी सरकार को हटाने के लिए निश्चय करना ही, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और भविष्य जो है ठीक हो तो इस सरकार को हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना देश भुखमरी की स्थिति में तो है ही और बुरी हालत में पहुंचने वाला है। अभी देखा कोरोना काल में, अभी देखा कि कोरोना काल में कितने लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के, यानी हवा नहीं दे पाए ये और लोग मर गए, कहते एक भी नहीं मरा। धीरे धीरे इस सारी व्यवस्था पर कब्जा करके जो समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उन सबके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको छीन रहे हैं, उनका जो वाजिब हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे सब कुछ बेचा जा रहा है। ये लोग, तमाम लोग नहीं जानते हैं कि जो अभी बेचने की देश की वित्त मंत्री ने घोषणा की है मोनेटाइजेशन की, वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। इन सड़कों को भी बेचा जा रहा है। अभी गाड़ी लेके चलते हो तो रोड टैक्स जो लगता है, जब निजी हाथों में पहुंच जाएगी तो रोड टैक्स चलेगा, तो आप 10 बार सोचोगे कि गाड़ी खरीदें कि न खरीदें। ये जो सबके हाथ में स्मार्टफोन हैं, ये अभी बहुत सस्ते हैं, इनकी लाइनें भी बेच रहे हैं, कई लाख करोड़ इससे भी ले रहे हैं।
और जब निजी हाथों में ये सब चली जाएंगी लाइनें, क्योंकि जो कुछ आप बात करते हैं वो वेव्स के माध्यम से इन्हीं लाइनों से जाती, ये टावर हैं, ये तरंगे पकड़ती हैं और जो वेव्स हैं उनके माध्यम से दूसरी जगह भेजती, ये भी बेची जा रहे हैं। एक आध महीने में सब निजी हाथों में चली जाएगी। रेल बेची जा रही, अभी तो आप रेल में जाएंगे, अभी सबसे सस्ता यही था, पैसा नहीं होता था, बिना टिकट चले जाते लोग, साधु संत गरीब लोग बिना टिकट चले जाते थे, कोई पूछता नहीं था, कहते चलो गरीब आदमी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। रेलवे के बाद टॉयलेट में जाएंगे तो उसका भी पैसा अलग से लगेगा, प्लेटफॉर्म तो अभी 25 रुपए का टिकट हो गया। तो ये सब इतना धांधली हो रही है कि सारी संपत्ति देश की बेचकर 4-5 लोगों के हाथ में सौंपी जा रही है। और कह रहे हैं कि जो हमारे बजट का घाटा है उसका पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो बजट का घाटा तो अगली साल भी होगा, उसके बाद भी होगा, तब किसे बेचेंगे? सब कुछ बचेगा ही नहीं बेचे। मैंने बीजेपी के लोगों से कहा कि जब सब बेच रहे हैं तो राज्य किसमें करोगे? और हमारी जो बड़े पैमाने में रेलवे से लेकर सारे विभागों में नौकरियां मिलती थी, उसमें संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था थी, निजी हाथों में जाने के बाद सारा आरक्षण खत्म, कोई आरक्षण नहीं। और उत्तर प्रदेश की सरकार,